हेलो गाइस, आज हम आउट होने के नियम के सीरीज में रन आउट के नियम जान लेते हैं। तो गाइस, आमतौर पर जब क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम बल्लेबाज के विकेट के पास क्रीज लाइन को पार करने से पहले गेंद को एक विकेट तक पहुंचाने में सफल होती है, तभी बल्लेबाज को रन आउट दिया जा सकता है। दोस्तों, ICC के लॉ 38 में रन आउट के नियम दिए गए हैं। तो देखते हैं बल्लेबाज किस स्थिति में रन आउट हो सकता है। यदि बल्लेबाज अपनी क्रीज से बाहर है और एक क्षेत्र रक्षक के द्वारा विकेट गिरा दिया जाता है, तो बल्लेबाज को रन आउट किया जा सकता है, चाहे वो रन का प्रयास करे या ना करे। बल्लेबाज रन लेने का प्रयास कर रहा होता है और फील्डर द्वारा उसे आउट करने के लिए गेंद विकेट की तरफ फेंकी गई हो, तभी वह बल्लेबाज स्टंप और गेंद के बीच में आ जाता है, तो उस बल्लेबाज को रन आउट किया जाता है। तो दोस्तों, बल्लेबाज रन आउट नहीं हो सकता इन परिस्थितियों को भी देख लेते हैं। यदि बल्लेबाज का बल्ला पॉपिंग क्रीज के पीछे लगा होता है तो बल्लेबाज रन आउट नहीं माना जाता। दोस्तों, गेंद नॉन स्ट्राइकर का विकेट गिरा देती है तो नॉन स्ट्राइकर नॉट आउट हो जाता है, बशर्ते गेंद ऐसा करने से पहले क्षेत्र रक्षक पक्ष के किसी भी सदस्य को ना छुए। और एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि किसी बल्लेबाज के पास चोट या बीमारी के कारण एक धावक है तो मैदान में दो से ज्यादा बल्लेबाज मतलब धावक मौजूद होते हैं, तभी धावकों के बीच भ्रम निर्माण हो सकता है और आउट होने का खतरा ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब